एक्सेल डॉट कॉम के यूट्यूब चैनल पर मैं सीए सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। लेट्स डिस्कस जीएसटी ई वे रूल 130 सब क्लॉज 14, दैट इज व्हेन ई वे बिल इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी जनरेटेड। नो ई वे बिल इज रिक्वायर्ड टू बी जनरेटेड वेयर द गुड्स बीइंग ट्रांसपोर्टेड आर स्पेसिफाइड इन एनेक्सर ए बाय अ नॉन मोटराइज्ड कन्वीनियंस फ्रॉम द पोर्ट एयरपोर्ट एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स एंड द लैंड कस्टम स्टेशन टू एन इनलैंड कंटेनर डिपो और अ कंटेनर फ्रेट स्टेशन फॉर क्लियरेंस बाय कस्टम एंड इंस्पेक्ट द मूवमेंट ऑफ गुड्स विद इन सच एरियाज एज नोटिफाइड अंडर क्लोज डी ऑफ सब रूल 14 ऑफ रूल 138 ऑफ द गुड्स एंड सर्विस टैक्स रूल्स ऑफ द कंसर्न स्टेट। यानी कि जो गुड्स एंड एक्सचेंज में स्पेसिफाई किए गए हैं उनके लिए जीएसटी का ई वे बिल जनरेट करने की आवश्यकता नहीं है, या वो गुड्स किसी नॉन मोटराइज कन्वीनियंस के अंदर आ रही हैं तो भी उसका ई वे बिल जनरेट करने की आवश्यकता नहीं है। यदि वो किसी पोर्ट एयरपोर्ट एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स या लैंड कस्टम स्टेशन में जा रही है तो भी उनका ई वे बिल जनरेट करने की आवश्यकता नहीं है। और यदि वे गुड्स जो स्टेट के रिस्पेक्टिव जीएसटी लॉ हैं उनके रूल 138 सब रूल 14D में स्पेसिफाई की गई है तो उनके लिए भी जीएसटी का ई वे बिल जनरेट करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि एनेक्शन में ऐसी कौन सी गुड्स स्पेसिफाई की गई हैं जिनके लिए कि ई वे बिल जनरेट करने की आवश्यकता नहीं है। वह गुड्स हैं एज मेंशन इन द चैप्टर हेडिंग 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0209, 0210, 3, 0301, 0302, 0304, 0306, 0307, 0308, 0401, 0403, 0406, 0407, 0409, 0501, 0506, 05790, 0511, 6, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0712, 0713, 0714, 0801, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0814, 0901, 0902, 0909, 0910, 1110, 0910, 3010, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 12, 1201, 1202, 1204, 1205, 1206, 1207, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1301, 1404, 9040, 1701 और 1702, 1904, 1905, 1905, 2201, 2201, 2202, 9090, 2302, 2304,
2305 2306 2308 2309 2 4 0 1 4 4 1 4 4 0 1 4 4 0 2 4 8 0 1 4 8 3 5 3 0 2 4 8 2 5 3 9 2 6 4 0 1 4 4 1 4 4 0 1 4 9 0 7 4 8 1 7 4 9 0 1 4 9 0 7 4 9 0 1 4 9 0 2 4 9 0 3 4 9 0 1 4 9 0 2 4 9 0 3 5 1 0 1 5 1 0 1 4 9 0 2 4 9 0 3 15 2 52 53 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
लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस फॉर सप्लाई टू हाउस होल्ड एंड नॉन डोमेस्टिक एग्जम्प्टर्स कैटेगरी कस्टमर्स, केरोसिन ऑयल सोल्ड अंडर पीडीएस, पोस्टेज बैगेज ट्रांसपोर्टेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, नेचुरल और कल्चर्ड पर्ल्स एंड प्रीशियस और सेमी प्रीशियस स्टोन्स, प्रीशियस मेटल्स एंड मेटल्स क्लैड विद प्रीशियस मेटल, ज्वेलरी गोल्डस्मिथ्स एंड सिल्वरमिथ वेयर्स एंड अदर्स आर्टिकल्स, करेंसी यूज पर्सनल एंड हाउस होल्ड इफेक्ट्स, कोरल अनवर्कड एंड वर्कड कोरल। थैंक यू। जीएसटी की बेस्ट और लेटेस्ट बुक्स पढ़ने के लिए और इस यूट्यूब वीडियो में डिस्कस किए गए जीएसटी मटेरियल को रेफ़र करने के लिए आप इस यूट्यूब वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक करें। और अधिक जानकारी के लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें और शेयर करें। अधिक जानकारी के लिए आप मेरी वेबसाइट www.taxhill.com पर विजिट करें। थैंक यू।